अब बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जो एक बार फिर से चमके हैं। दरअसल भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली बार डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग फाइनल में वो 88.44 का बेस्ट थ्रो के साथ ही पहले स्थान पर रहे। इससे पहले नीरज ने साल 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। वो 2017 में सातवें और 2018 में चौथे स्थान पर थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन पर उनके परिवार में जश्न का माहौल है। पानीपत के खंडरा गांव में नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि ये परिवार के साथ साथ पूरे देश की उपलब्धि है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में प्रदर्शन करने वाले ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल के बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, वहीं लगातार अपनी जीत का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। बहुत गर्व के पल हमारे लिए कि बेटे ने ज्यूरिख में गोल्ड मेडल जीता है। डायमंड लीग में फाइनल था उनका कल स्विट्जरलैंड में, तो बहुत ही अपार खुशी है हमारे परिवार के लिए तो है ही, पूरे देश के लिए भी एक बहुत खुशी का पल है। खुशी महसूस हुई कि पोते ने बाहर जाके भी इसमें डायमंड लीग में पहला स्थान पाया है। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, 15-20 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। उसकी मेहनत को देखते हुए हमें पूरा विश्वास था कि पहले भी उसने दो बार डायमंड लीग में भाग लिया था, एक बार वो सातवें नंबर पे रह गया था, एक बार चौथे नंबर पे। तो अब की बार उसकी तैयारियों को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद थी कि अब की बार डायमंड लीग का टाइटल लेकर ही इंडिया का मान सम्मान बढ़ाएगा। नीरज चोपड़ा ने कल डायमंड लीग जीत के एक इतिहास रचा है। ये पहला खिलाड़ी है जिसने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। और नीरज से का संबंध पंचकुला से बहुत लंबा रहा है। जब ये जूनियर था 2011 में हमारे पास आया था, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बना अंडर 20, फिर एशियन में मेडल लिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया, ओलंपिक में मेडल लिया, तो सब जगह नीरज ने इतिहास रचा है। और आज हमारी खुशी उसने दुगनी कर दी है कि भाई देश को इतना बड़ा मेडल देना, साथ में एक पंचकुला में प्रैक्टिस करने के बाद पंचकुला का नाम रोशन करना, हरियाणा का नाम रोशन करना, तो आज हमें नीरज के ऊपर बड़ा गर्व है कि नीरज ने एक इतिहास रचा है और भविष्य में भी नीरज और कई इतिहास रचेगा। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। कमल, एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है और गोल्ड पर कब्जा। बिल्कुल, देखिए जब जब नीरज चोपड़ा मैदान पर उतरते हैं देशवासियों को उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं वो गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। जिस तरीके का इतिहास नीरज चोपड़ा का रहा है, साल 2018 से उनका ये कार्य शुरू हुआ था गोल्ड मेडल जीतने का, उसके बाद से 2022 आ गया है, लेकिन हमेशा से ही नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपनी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। चेक गणराज्य के खिलाड़ी जैकब को उन्होंने हराया, पहला जो थ्रो उन्होंने किया था वो फाउल हो गया था, और ऐसा देखने को नहीं मिलता कि नीरज चोपड़ा जो पहला थ्रो करते हैं उसमें फाउल हो जाता है, क्योंकि पहले ही थ्रो वो इतना मीटर दूर फेंकते हैं कि वो लगभग मेडल पक्का कर लेते हैं, लेकिन दूसरे ट्राई में उन्होंने जरूर अपना मेडल पक्का कर लिया और कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास नहीं आ सका। 6 मौके यहाँ पर हर टीम के खिलाड़ी को मिले थे और नीरज चोपड़ा ने दूसरे नंबर का जो थ्रो किया था उसमें 88.44 मीटर का किया था। उसके अलावा जो चेक गणराज्य के खिलाड़ी थे उन्होंने 86.13 का दूरी पर मेडल फेंका था थ्रो, लेकिन जीत नहीं पाए। बिल्कुल कमल, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, और देखिए सबसे अच्छी बात यह भी है कि डायमंड लीग में ये खिताब उन्होंने जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं कर पाया है, यहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया उन्होंने डायमंड लीग में। अब बिल्कुल, देखिए नीरज चोपड़ा लगातार इतिहास रच रहे हैं। साल 2017 और 18 में भी नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन एक बार वो सातवें और एक बार चौथे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार उनके पास अच्छा मौका था क्योंकि चिर प्रतिद्वंदी पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। उनके बाहर होने से नीरज चोपड़ा की उम्मीदें कहीं ना कहीं ज़्यादा थी और इस बार उन्होंने कारनामा कर दिया। पिछला अगर हम इतिहास देखें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर दूरी पर भाला फेंका था जो कि सिल्वर मेडल था, और ऐसा करने वाले भी वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो नीरज चोपड़ा अब लगातार मेडल जीत रहे हैं और लगातार जिस तरीके से ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और डायमंड लीग में एक बार फिर से गोल्ड मेडल, तो एक
कारवा जो 18 में शुरू हुआ था, मैंने पहले बताया कि 2018 में एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, 2021 में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये हैट्रिक थी, उसके बाद सिल्वर मेडल जीता, जरूर एक चौका मारने का मौका था उनके पास गोल्ड मेडल का, लेकिन वो चूक गए और एक बार फिर से गोल्ड मेडल पर उन्होंने वापसी की है। जी बिल्कुल कमल, लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि बड़ी उपलब्धि इसलिए भी माना जाएगा कि चोटिल थे और हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, इसके चलते उनको बाहर होना पड़ा था, उस टूर्नामेंट में वो हिस्सा नहीं ले पाए थे, उसके बाद अब डायमंड लीग में जाना और वहाँ जाकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना। बिल्कुल, एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के लिए चोट से उभर कर वापस आना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का हो, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर नीरज चोपड़ा होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक स्वर्ण पदक भारत के नाम था, एक गोल्ड मेडल जरूर नीरज चोपड़ा के हाथ से निकल गया, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना था नहीं, नीरज चोपड़ा के आसपास कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन जिस तरह की उन्होंने वापसी किया है, उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आने वाले मुकाबले में उनका ये फॉर्म जारी रहेगा और सोना भारत की झोली में आएगा। जी बिल्कुल, आप परिवार में अब किस तरीके के दर्शन का माहौल कमल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सुन रहे थे उनके जो पिताजी थे, उनके जो दादाजी हैं, चाचा जी हैं, सबको हम सुन रहे थे कितनी खुशी उनको हो रही है, और उनका ये कहना है कि ये ना सिर्फ हरियाणा, ये पानीपत या फिर पंचकुला, बल्कि ये पूरे देश के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक के बाद एक इस तरीके से मेडल लाना और हमें गौरवान्वित करना, देश को गौरवान्वित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। आप बिल्कुल देखिए, जब एक खिलाड़ी एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इंटरनेशनल लेवल पर जाता है तो वो एक स्टेट या पर्टिकुलर जगह को नहीं बल्कि एक देश को रिप्रेजेंट करता है, जरूर परिवार के लिए खुशी का लम्हा है कि उनके घर का लड़का इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, लगातार गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल रहा है, सिल्वर मेडल डाल रहा है, जो आज तक कोई नहीं कर सका वो नीरज चोपड़ा कर रहे हैं, और सिर्फ हरियाणा है या पानीपत ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं जिस तरीके का परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा कर रहा है। कहीं ना कहीं अब जो उनका अगला लक्ष्य है वो है 90 मीटर, नीरज चोपड़ा पहले ही कह चुके कि उनका लक्ष्य 90 मीटर, किस जब वो 90 मीटर छू लेंगे जरूर एक कीर्तिमान अपने साबित होगा। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है वो लगातार दावा करें कि मैं नीरज चोपड़ा से पहले 90 मीटर का जैवलिन थ्रो करके दिखाऊं, लेकिन नीरज चोपड़ा को हराना इतना आसान नहीं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस आज थी, दूसरे राउंड में पहला राउंड फाउल होने के बाद भी अगर दूसरे राउंड में नीरज चोपड़ा ने वापसी की तो कोई खिलाड़ी उनके आसपास नहीं था, तो सिर्फ परिवार ही नहीं पूरे देश को ये खुशी है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा ने की है वो आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन कमल जिस तरीके से नीरज चोपड़ा एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, 90 मीटर को बहुत दूर नहीं है अब। बिल्कुल, 90 मीटर ज़्यादा दूर नहीं है, 88.44 तक नीरज चोपड़ा पहुंच चुके, इससे पहले 79 भी वो पहुंचे हैं, लेकिन 90 मीटर की जो टीस थी वो कहीं ना कहीं उनके मन में अभी है और हो सकता है कि आने वाले एक दो महीनों में हम देखें वो 90 मीटर भी दूर नहीं होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका कमल इस तमाम जानकारी के लिए, और जो जानकारी आपने दी है उसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। लेकिन नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया है और नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है, इतिहास इसलिए क्योंकि डायमंड लीग में खिताब जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने हैं, जहां पर उन्होंने 88.44 मीटर थ्रो फेंका है, और जिस तरीके से कमल यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि नीरज चोपड़ा का टारगेट है, उनका एक एम है कि वो 90 मीटर तक भाला फेंकें, और जिस तरीके से एक के बाद एक उपलब्धि वो हासिल कर रहे हैं, लगातार मेहनत उनकी ओर से की जा रही है, ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब 90 मीटर का थ्रो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर अब नीरज चोपड़ा से नहीं रह गया है।